गुरु कृपांजन पायो मेरो भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन जागत राम ही सोबत राम ही, जागत राम ही सोबत राम ही, सपने में देखो राजा राम ही, सपने में देखो राजा राम ही। गुरु कृपांजन पायो मेरो भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन एक जनार्दनी भावहिनी का, एक जनार्दनी भावहिनी का, जो देखो सो राम सरीखा, जो देखो सो राम सरीखा। गुरु कृपांजन पायो मेरो भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजन, गुरु कृपांजन। विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज हम यहाँ बापू कुटी के नजदीक बैठे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं बापू कुटी जो सेवाग्राम में है, और ऐसे पवित्र वातावरण में आज हम शिवदत्त मिश्र जी से बात करने जा रहे हैं। उन्होंने गांधी विचारों का अभ्यास किया, बाद में चार किताबें भी लिखी जिनमें शिक्षा के बारे में गांधी जी के जो विचार है वो उसके बारे में किताब लिखी, स्वदेशी के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, और उसके बाद दो किताबें उन्होंने संपादित की। नमस्ते मिश्र जी। मिश्र जी, पहले हमें ये बताइए कि मैंने जो पढ़ा है गांधी जी के बारे में उसमें उन्होंने शारीरिक श्रम को बहुत ज्यादा महत्व दे रखे हुए है, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या बौद्धिक श्रम महात्मा गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे? बौद्धिक श्रम उनके बारे में क्या मायने रखते थे? बात ऐसी नहीं है कि बौद्धिक श्रम को वो महत्व नहीं देते हैं, बात इतनी ही है, उनका सीधा सा कहना ऐसा है कि मनुष्य की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो शारीरिक श्रम से ही पूरी होनी चाहिए। शरीर की आवश्यकता के लिए बौद्धिक श्रम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बौद्धिक श्रम तो समाज के बहुत से साधनों में से हमें एक मिला है जिसमें हम सेवा कर सकते हैं, और उसका योगदान जो है वो समाज को मिलना चाहिए। जैसे इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सभी अपने उदर पोषण के लिए, पेट भरने के लिए, जीविका के लिए श्रम करते हैं, ऐसे ही मनुष्य को भी श्रम करना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या कोई हमें विशेष कौशल हमें आ जाता है, कोई स्किल हमें आ जाती है, हम ये सोचते हैं साधारणतः कि इससे हमारा जो हमारी अर्निंग पावर जिसको हम कहते हैं, जीविका पैदा करने की, पैसा कमाने की शक्ति बढ़ी है, तो इसका उपयोग हम करें स्वयं। इस दृष्टिकोण से गांधी जी कहते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई भी आदमी हो, उसको जितना वो भोजन करता है, जितनी उसकी शरीर की आवश्यकता है, उतना श्रम उसको अवश्य ही करना चाहिए। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि हमारे पास तो इतना काम नहीं है, मैं जैसे प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, मैं क्या श्रम करूं, मेरे तो कहीं खेत नहीं है, क्योंकि शरीर श्रम से साधारणतः लोग यही मान लेते हैं कि भाई कहीं कुदाली लेकर खेत वगैरह खोदना पड़ेगा, सड़क वगैरह खोदनी पड़ेगी, ऐसा ही नहीं। गांधी जी ने कहा उसके लिए चरखा है। आप अगर 250 तार रोज चरखे के काटते हैं जो मुश्किल से एक घंटा लगेगा, तो उससे इतना तो आमदनी हो सकती है जिससे कि जो इतना आप खाते हैं उतना समाज को अर्पण करें अपने शरीर श्रम के द्वारा। क्योंकि जब हम शरीर श्रम के द्वारा कुछ नहीं करते हैं तो वास्तव में उत्पादन कुछ नहीं होता। आप ध्यान दीजिए तो बौद्धिक श्रम से उत्पादन नहीं होता, बहुत हद तक ये होगा कि उत्पादन में कुछ मदद हो सकती है, जिसको हम लोग साधारणतः सर्विस सेक्टर कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में।
तो सर्विस सेक्टर का तो कुछ डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं है, सीधा उत्पादन नहीं है, वो तो केवल उत्पादक क्षेत्र को मदद करता है। अब शरीर श्रम न करना गीता में कहा है, भारतीय सभ्यता में है ये। गीता में कहा है कि बिना यज्ञ किए जो खाता है वो चोरी करता है। यज्ञ का अर्थ श्रम का है। जो बिना श्रम किए खा रहा है शारीरिक श्रम, वो चोरी ही कर रहा है दरअसल। क्यों? क्योंकि समाज को जिससे जितना वो ले रहा है उतना दे नहीं रहा है। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं शरीर श्रम से पूरी होनी चाहिए, और बौद्धिक शक्ति हमारे अंदर जितनी है वो समाज और परिवार या दूसरी बड़ी जो सामाजिक इकाई है उसके उत्थान में हमें लगाना चाहिए। ये मुख्य विचार है, क्योंकि कोई भी समाज तभी ऊपर उठता है जब उसके कुछ लोग या ज्यादातर लोग अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपना कौशल उस समाज को ऊपर उठाने में लगाते हैं। अगर सभी लोग केवल अपने बारे में सोचें तो शायद समाज टूट जाएगा। सर, अभी आपने उल्लेख किया चरखा और खादी का, तो गांधी जी को क्या चरखा और खादी का यही मतलब अभिप्रेत था या कुछ और था? नहीं नहीं, चरखा और खादी दोनों ऐसी चीजें नहीं है जो, जैसे आपने कहा खादी एक वस्त्र है, वस्त्र तो बहुत सारे हैं, खादी जो है वो वस्त्र से ज्यादा एक विचार है। जब आप खादी धारण करते हैं तो इसका मायने ये है कि आप सादगी को पसंद करते हैं। खादी का मतलब यह है कि आप सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये खादी से जुड़े हुए मूल्य हैं जिनको गांधी जी ने प्रतिस्थापित किया। ये केवल एक रोजगार देने वाला हिस्सा नहीं है जैसा बहुत लोग मानते हैं, ऐसा कि गांधी जी ने इसको सबको रोजगार मिलेगा ऐसा इसके लिए चरखे को या खादी को बढ़ावा दिया। हालांकि वो बात तो इसमें अपने आप निकलती है। जैसे आप खादी को मतलब ऐसे कहते हैं जैसे कोई बहुत नई चीज है, खादी जो है इस देश में अंग्रेजों से आने से पहले जैसे हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं ऐसे ही सब लोग घर में चरखा चलाते थे। गांव में एक दो बुनकर होते थे, वो सूत लेके जाते थे और वो उससे अपने घरों में कपड़ा बनाते थे, बुनाई कपड़े में ली जाती थी। अब वो जो बुनाई कपड़े में ली जाती थी माने ये कि जिसने कपास या सूत काट के दिया है उसको वो कपड़ा फ्री में पड़ता था। जैसे हम अपने खेत में अनाज बोते हैं, अनाज अपने घर में लाते हैं, उससे रोटी बना के खाते हैं, ऐसे ही कपास पैदा होती थी, उसके हम लोग घरों में सूत काटते थे, घर में बड़े बूढ़े बच्चे सभी चरखा चला सकते हैं। वो चरखा चला के हम बुनकर को अपना सूत देते थे और बुनकर उसमें से कपड़ा बिनता था। 10 मीटर में 1 मीटर वो अपने पास बुनाई के लिए रखता था और बाकी का 9 मीटर हमें मिलता था। साधारण रूप से आज जो चरखा है चलता है, अंबर चरखा जिसको हम कहें, उस चरखे को अगर हम 1 घंटे भी रोज चलाते हैं तो वो चरखा साल में आपको तकरीबन 25 मीटर कपड़े का सूत देता है। अब ये 25 मीटर से ज्यादा तो एक व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिवर्ष इस्तेमाल इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और इस तरह देखें तो एक साधारण व्यक्ति भी लगभग फ्री में कपड़ा पा सकता है आज भी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बात अभी भी उतनी ही सच है। जैसे अगर आप होटल से खाना नहीं खाते हैं, क्यों? इसलिए नहीं खाते क्योंकि होटल भी बने हैं, घर में खाना बनता है। उसका कारण यह है कि घर में जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहे आप सस्ता मद्दा अच्छा महंगा सभी कुछ कर सकते हैं। इसी तरह खादी का भी था, और खादी इस रूप में गांधी जी सामने लाए थे कि इससे हमारा स्वाभिमान प्रकट होता है, क्योंकि कपड़ा लंदन से बहुत आता था और हमारे यहाँ के बुनकर उनका काम सब बंद हो गया था। तो गांधी जी को यह था कि देश की गरीबी अगर दूर करनी है तो हमें खेती से ज्यादा, मतलब खेती में तो 6 महीने 8 महीने काम है, अगर हमें 12 महीने लोगों को रोजगार देना है तो कोई सप्लीमेंट्री, कोई सहायक उद्योग उनके पास होना चाहिए, और इसके लिए उनको चरखा ऐसा दिखा जिसमें सभी लोग काम कर सकते हैं, सभी की जरूरत है, उसकी मांग कभी कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों की जैसी जनसंख्या बढ़ती है कपड़े की मांग भी बढ़ती है, और कपड़ा हमारी जरूरत है। उस जरूरत को पूरा करना यह केवल रोजगार का सवाल नहीं है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, गांधी जी जब श्रम की बात करते हैं तो वहां जब कहते हैं ये कि आदमी श्रम क्यों करता है तो उसमें कहीं भी वो जिसको मजदूरी कहते हैं उसका सवाल नहीं उठाते हैं। आदमी काम इसलिए करता है क्योंकि उसकी स्किल बढ़ती है, काम करने से ही स्किल आती है, कौशल आता है। दूसरा कारण है, काम जब आदमी करता है तभी लोगों से उसका संबंध आता है, लोगों के साथ रहना, सामाजिक प्राणी होना, ये मनुष्य का स्वभाव है। तीसरा कारण है कि जब वो काम करता है तो उसे आनंद आता है, काम से आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिएशन है वो भगवान का, गॉड का काम है।
जब आदमी कुछ क्रिएट करता है तो उसको वो आनंद देता है, क्योंकि वो ईश्वर का काम करता है, भगवान का काम करता है। ये तीन कारण है जिसकी वजह से आदमी काम करता है। तो खादी का काम, चरखा चलाना, खादी बना लेना, ये स्वाभिमान का झवाल ज्यादा था कि हम अपनी जरूरतें अपने हिसाब से पूरी कर सकते हैं, हमें उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की, बहुत बड़े बड़े ये यंत्रों की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बाजार की जरूरत नहीं है। इसी के उपलक्ष्य में एक मेरा सवाल अगला ये है कि गांधी जी का जो स्वदेशी का तत्व था, क्या वो उसी से प्रेरित था? हाँ, इसमें स्वदेशी के सिद्धांत में जो गांधी जी कहते हैं, स्वदेशी वह भावना है जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जरूरतें अपने आसपास के संसाधन वातावरण इनसे पूरी कर लेते हैं। अब ये हो सकता है कि कुछ जरूरतें ऐसी हैं, जैसे नमक है, मान लीजिए ये देश में सब जगह नहीं होता, तो नमक तो समुद्र के किनारे से लाना पड़ेगा, वो स्वदेशी ही माना जाएगा, उस अर्थ में कि जितनी पास वो चीज मिलती है हम उतनी पास वो ले लें। लेकिन अगर हमारे शहर में, हमारे पड़ोस में कोई चीज बनती है और उसे न लेकर हम बाहर वाले से लेते हैं, दूर से लेते हैं, तो स्वदेशी को भंग करते हैं। स्वदेशी भी कोई ऐसी चीज नहीं, जैसे मेरी माँ मुझे अच्छी लगती है, दूसरे की माँ उससे सुंदर हो सकती है, लेकिन मुझे तो मेरी माँ ही अच्छी लगती है। हम लोग जैसे आज के समय में बहुत सारी चीजें बाहर की उपयोग में लाते हैं, कभी हम ये शायद नहीं सोचते कि ये चीजें तो हमारे यहाँ भी उससे अच्छी उपलब्ध है। वो चाहे टेलीविजन का प्रचार हो इसकी वजह से या और चीजों की वजह से, जैसे मंजन साबुन वगैरह हैं, इनसे ज्यादा अच्छी तरह से सफाई और ज्यादा दांत की अच्छी सफाई, शरीर की सफाई तो हमारे आसपास जो मिलता है उससे हो सकती है। अब नीम की दतून को अगर अमेरिका पेटेंट करा रहा है नीम को, तो उसमें गुण होगा, ऐसा हम लोग अब सोचने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो बड़े वैज्ञानिक रहे, जिनको हम ऋषि कहते हैं, पहले उन्होंने ये खोज निकाला था पहले ही कि नीम की एक दतून करने वाले व्यक्ति को पेट की कोई बीमारी नहीं होती, दांत की कोई बीमारी नहीं होती, जॉन्डिस जैसी बीमारियां नहीं होती, खून की कोई बीमारी नहीं होती, शरीर में फोड़े फुंसी नहीं निकलते। लेकिन ये उन्होंने उस तरह बताया नहीं, ये बीमारी दूर करने के लिए है ये नहीं बताया, ये बताया ये स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो जो पश्चिम का सोच है, पश्चिम के जो विचार है, उसमें तो ये है कि हम आप कुछ गलत करें तो फिर हम ठीक करेंगे। जैसे प्रचार करते हैं ना कि खूब खाओ लेकिन बाद में हाजमोला खा लेना, हाँ तो चाहे जो खाओ हाजमोला खा लेना, लेकिन हाजमोला खाना तो उसका इलाज नहीं है, आपको शरीर जितना चाहिए उतना लीजिए। ये जो उपभोक्तावाद बढ़ा है, वही लोग ये कहते हैं कि क्या हम अमेरिका की अच्छी चीजें उपयोग में नहीं लें, तो अच्छी माने क्या है? क्योंकि अच्छी माने तो ये है कि उससे समाज, परिवार और व्यक्ति तीनों का भला होना चाहिए। जिस चीज से तीनों का भला नहीं होता वो चीज अच्छी नहीं हो सकती। हमारे आसपास जो चीजें नहीं बनती हैं, हमें सीख लेना चाहिए कि हमें उनके बिना काम चला लेंगे, कोई मर तो नहीं जाएंगे। अगर हम मान लीजिए आज के दिन अगर पिज्जा नहीं खाएं तो ऐसा नहीं है कि भूख से मर जाएंगे, लेकिन हम पिज्जा में जाके बहुत पैसा दे आते हैं या दूसरी चीजों में। इससे हुआ ये है कि हमारे यहाँ के जो कारीगर थे, हमारे यहाँ की जो कला थी, स्थानीय स्तर पे जो काम करने वाले लोग थे, वो बेरोजगार हुए हैं, उनका धंधा गया है और वो एक अच्छे कारीगर से मजदूर बने हैं, और इससे उनका जो आत्मविश्वास गिरा है उससे ही देश का भी आत्मविश्वास गिरा है। और हम ये मानने लगे कि शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिए तो दुनिया में जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मानी जाती है, या आपके सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, ये सारी चीजें तो हमने अपने आप से बनाई है, दुनिया में किसी को नहीं दिया। अपने भाटकर जी हैं, सुपर कंप्यूटर बना लिया जबकि अमेरिका ने देने से मना किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो हम उपग्रह भेजते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, उनको जो भेजने की टेक्नोलॉजी है वही मिसाइल को चलाने की टेक्नोलॉजी है। तो अगर हमने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाया, माने जीएसएलवी जो हम छोड़ते हैं वो वही है, और इसलिए अमेरिका नहीं देता था किसी को, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी भी शामिल हैं, ये सब में विकसित करने में, न्यूक्लियर बम बनाना अच्छी बात है खराब बात है मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई किसी को देता नहीं है, हमने चाहा तो कर लिया।
लेकिन ये सब हम कर सकते हैं तो ये बाल पेन का पॉइंट क्यों नहीं बना सकते, वो जापान से क्यों आना चाहिए, कोरिया से क्यों आना चाहिए, ये प्रश्न पर विचार करेंगे तो स्वदेशी के बारे में जो सवाल उठते हैं वो फिर नहीं उठेंगे। मतलब महाराष्ट्रीय ढंग से कपड़े पहनना भी शायद हम लोग खराब मानने लगे हैं, ये कुछ पश्चिम का प्रभाव पड़ा है, लेकिन शरीर को जो आराम है वातावरण के हिसाब से वो तो उन्हीं वस्त्रों में है, क्योंकि वस्त्र का विचार से कुछ तो संबंध होता है। तो स्वदेशी के बारे में बहुत समग्र रूप से सोचना पड़ेगा, मतलब ये जो राजनीतिक तंत्र हमने इस्तेमाल किया हुआ है ये भी मतलब बाहर के देशों का है, कुछ हिस्सा इंग्लैंड का है, कुछ साउथ अफ्रीका का है, कुछ अमेरिका का लिया, तो हमको तो स्वदेशी तंत्र इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसे ही अर्थतंत्र के बारे में भी है, स्थानीय बाजारें तो टूट गई हैं, अब तो माल बन रहे हैं और माल के अलावा भी अब जो रिटेल में मल्टीनेशनल कंपनीज को लाया जा रहा है उसके तहत तो छोटे छोटे दुकानदारों को खत्म करने की साजिश हो रही है, और ये बहुत ही गलत चीज इस देश के लिए जहां की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर अगर आप ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे उनको लाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में विद्वेष पैदा होगा, जिसके बारे में अभी का जो नेतृत्व है मुझे लगता नहीं बहुत गहराई से सोचता है, लेकिन आगे पीछे तो सोचना पड़ेगा। तो स्वदेशी तो राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हमारे व्यवहार में, सभ्यता में, सभी में लागू होने वाली चीज है, उसका बहिष्कार से कोई लेना देना नहीं है, बहिष्कार और विरोध तो एक दूसरी चीज है। तो मुझे लगता है ये तो गांधी जी का बहुत शाश्वत सिद्धांत है और इस पर चलना शायद देश के लिए अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो गांधी जी ने नई तालीम नाम की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में जरा आप हमें बताइए, विस्तार से बताइए, क्योंकि आप उसका काम बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये शिक्षा प्रणाली क्या है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शिक्षा समाज को भविष्य के नागरिक देती है, तो जैसी शिक्षा होगी वैसे ही सोच वाले और वैसे ही विचार वाले लोग निकलेंगे, आगे आएंगे। गांधी जी ने इस चीज पर बहुत गंभीरता से चिंतन मनन किया था, और जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे तभी से वो इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से, या मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित की उससे बहुत परेशान थे कि इसको कुछ करना चाहिए। इंग्लैंड से पढ़ के वापिस आए तो अपने बच्चों को उन्होंने, अपने भाई के बच्चों को और अपने बच्चों को उन्होंने नए तरीके से शिक्षा देनी शुरू की। उनका मानना था कि शुरू से यह मानना था कि शिक्षा में श्रम का स्थान नहीं है, इसलिए हम श्रम से विमुख हो जाते हैं। तो वहां उन्होंने बच्चों को श्रम क्या कराएं ये समझ में नहीं आता था, क्योंकि उम्र तब बहुत कम है, मतलब 20 साल 18 साल उम्र का व्यक्ति क्या सोचेगा, बालक ही है। तो वो बच्चों से कसरत कराते हैं, इनको कुछ तो शरीर श्रम होना चाहिए। फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए वकालत के सिलसिले में, वहां पर उनका परिवार बढ़ा तो अपने भाई भतीजों के बच्चों को और इनको अपने बच्चों को लेकर घर में ही विद्यालय शुरू कर दिया। घर में ही सिखाते थे कि इनको स्कूलों में नहीं भेजेंगे, यहां स्कूल में भेजते हैं तो उसमें वो खराब होते हैं, वहां सीखते तो बहुत नहीं, मातृभाषा भूल जाते हैं, शिक्षा अंग्रेजी में है, कुछ समझ में नहीं पाते, उनके अंदर बहुत हीन भावना आती है। फिर जब फीनिक्स आश्रम बनाया तो वहां विधिवत स्कूल चलाया, और वहां उन्होंने देखा कि श्रम जो है वो केवल श्रम नहीं, श्रम उत्पादक भी होना चाहिए। और उत्पादक श्रम जब किया वहां, तो खेती में 5 घंटे काम करते थे और 3 घंटे पढ़ाई होती थी। फिर टॉलस्टॉय फार्म जब स्थापित किया तो वहां पे उन्होंने सोचा कि शरीर श्रम उत्पादक हो तो ये तो ठीक ही है, लेकिन वो कुछ उद्योग भी होना चाहिए, उसमें कुछ कौशल आना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने चप्पल बनाना और बढ़ई गिरी, दो ये काम शुरू किए थे। चप्पल बनाना उन्होंने सीखा था, एक उनके मित्र थे कैलनबैक, हरमन कैलनबैक एक जर्मन थे वहां उनके मित्र, तो वो एक ईसाई ट्रैपिस्ट मिशनरी था, ट्रैपिस्ट था, मठ था, वहां से सीख के आए थे। गांधी जी जब भारत में वापिस आए तो सबसे पहले उनकी मंडली जो है वो यहां रुकी थी शांति निकेतन में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। गांधी जी तो लंदन चले गए थे गोखले जी से मिलने के लिए, उनकी पार्टी जो थी, टीम, वो पूरी शांति निकेतन में आई थी। वहां जी देखा कि सारा काम नौकरों से कराया जाता था, विद्यार्थी नहीं करते थे, तो गांधी जी ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम लोग सब अपना काम खुद से करोगे, खुद खाना बनाते थे, खुद सफाई। तो वहां पर स्वावलंबन का काफी अच्छा प्रयोग चला। फिर चंपारण में गांव-गांव में उन्होंने इसके प्रयोग किए, और वहीं मानते हैं वो ये कि सफाई मेरे जीवन का, हिंदुस्तान में काम का एक हिस्सा होगी, क्योंकि जो चंपारण में गरीबी देखी वहीं से उनको ये मन में आया कि मुझे तो इस देश में अब, ये उनके शब्द हैं, कि भंगी का काम भी मुझे करना है और तो मुझे कुछ खास नहीं करना। मतलब काम करते करते जो प्रश्न खड़े होते हैं उनको ही हल करते हुए पूरी शिक्षा दी जाए,
और इसके इसको अगर हम देंगे तो जो बच्चों को समझ में आएगा वो ये कि कोई काम हम क्यों करते हैं, माने वैज्ञानिक दृष्टि पैदा होगी उससे। अगर मैं इस चीज को और एक उदाहरण से स्पष्ट करूं, जैसे आज आप देखिए पूरे देश में लगभग ये जो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है, मतलब स्कूटर कार और मोटरसाइकिल का जो रिपेयरिंग का मरम्मत का जो सेक्टर है, वो पूरा का पूरा ऐसे लोगों के हाथ में है जो हमारी भाषा में इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे लोग हैं। वो बनाते हैं, नई से नई गाड़ी भी बनाते हैं वो लोग, उनके पास ऑटोमोबाइल्स का कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन वो अच्छा काम जानते हैं, कार बना सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं, लेकिन वो नौकरी लेने जाए अगर मारुति में या बजाज कंपनी में तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और जो लोग नौकरी करते हैं वहां, जो ऑटोमोबाइल्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या लेके आते हैं, उनको अगर कहा जाए कि इसको बनाओ, वो बना नहीं सकते। माने ये कि एक को शास्त्र आता है, एक को काम आता है। जिसको काम आता है उसको शास्त्र नहीं आता, उसका विज्ञान नहीं आता, इसलिए वो उसमें कुछ सुधार नहीं कर पाता। और जिसको शास्त्र आता है वो काम नहीं जानता, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता, उसे करने के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। तो गांधी जी ऐसी शिक्षा व्यवस्था को डिजाइन कर रहे हैं इस देश में जो वैज्ञानिक वृत्ति वाले लोग पैदा करेगा। दूसरा, वो मालिक बनाने वाली शिक्षा है। आज की शिक्षा नौकर बनाने वाली है, जो मैकाले की चलती है। इसमें से कितना भी आदमी पढ़ ले, वो पीएचडी कर ले, जो भी करना है एमडी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बाद वो नौकरी ही ढूंढता है। अगर नौकरी नहीं मिले तो उसकी शिक्षा उसके लिए बेकार है। और मजे की बात यह है कि जैसे मैंने फिजिक्स में एमएससी किया मान लीजिए, और मैं बैंक में अधिकारी हो गया, तो मैंने जो कुछ फिजिक्स में पढ़ा था उसका तो कोई उपयोग नहीं है। या मैं कलेक्टर हो गया, आईएएस में गया और कलेक्टर हो गया, तो जो कुछ पढ़ता उसका कोई उपयोग नहीं। किसी भी आदमी को 6 महीने ट्रेनिंग दीजिए, वो उससे अच्छा काम करके बता देगा। माने ये कि इस शिक्षा का जीवन के कार्य से कोई संबंध नहीं है, ये गांधी जी ने बहुत स्पष्ट देखा था। और इसी के कारण हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता। एक एमए पास आदमी की शादी कर दीजिए, वो परेशान हो जाएगा, घर कैसे चलाए। लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, जो 20 साल का लड़का है, 22 साल का, उसकी शादी कर दीजिए तो मजदूरी करने लगेगा, कुछ काम कर लेगा, लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा, आत्मविश्वास नहीं। अब जिस देश का पढ़ा लिखा वर्ग, एक तो सब लोग पढ़ नहीं पाते, 50% लोग ही पढ़ पाते हैं, उसमें से भी आधे ऊपर पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन बहुत कम लोग पाते, माने क्रीम ऑफ दिस कंट्री, वो जो बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिव एज अगर नौकरी के लिए फॉर्म भरने में ही चली जाती है, तो अगर ये देश गरीब है तो इसमें आश्चर्य क्या है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को गांधी जी बदलना चाहते थे, ऐसी शिक्षा से जो जीवन के लिए उपयोगी हो, व्यक्ति को आत्मविश्वास दे। आज इस देश में वैज्ञानिक इसीलिए तो नहीं है क्योंकि हम नकल करते हैं, सिलेबस की भी, पाठ्यक्रम की भी, हर चीज की, काम नहीं आता। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये कुछ दंभ हो जाता है कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं। दरअसल अगर उनको घर में कील भी ठोकनी हो तो किसी को बुलाना पड़ता है, प्लम्बर का काम, छोटे मोटे काम, ये कुछ नहीं कर पाते। साइकिल में कुछ हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, शरीर श्रम के साथ शिक्षा अगर उद्योग से जुड़ी हुई है तो काम के द्वारा जो शिक्षण है वो व्यक्ति को वैज्ञानिक वृत्ति देता है, मालिक की मानसिकता देता है, और वो व्यक्ति देश और समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ योगदान दे सकता है, और शायद देश ऐसे ही समृद्ध होते हैं। अगर हम गांव की ओर चले तो हम औद्योगिकरण नहीं कर पाएंगे, शहरों का विकास नहीं होगा। तो गांधी जी का यह कहना था कि आप ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो अपनी व्यवस्था थी उसकी ओर चलो और ये आधुनिकीकरण को भूल जाओ, ऐसा उनका कहना था। क्या गांव की ओर चलो का संदेश का क्या मतलब है उसका? गांव की ओर चलो माने शहरों में जो है, शहरों में क्या है? गांधी जी जब लंदन से उतरे हैं पहली बार, बंबई में आए हैं 1915 में, तो उनका पहला स्टेटमेंट यही है कि मैंने तो बंबई शहर को एक भोंडी सी लंदन की नकल देखा, जहां उसने उसकी बुराइयों को ही अख्तियार किया है, अच्छाई कुछ नहीं है लंदन की। माने ये कि जो शहर है वहां पर आप देखें, प्रत्येक शहर में, शहर का कुछ हिस्सा बहुत अच्छा है और कुछ हिस्सा देखिए तो ऐसा है जहां आदमी और सुअर एक साथ रहते हैं, रहने के लिए बाध्य हैं। और शहर जो खड़े हुए हैं वो गांव के शोषण पे खड़े हैं, क्योंकि शहर वास्तव में कुछ नहीं है, कुछ भी उत्पादन नहीं करते। और जिस तरह का औद्योगिकरण अभी हुआ है उसमें तो गांव तो मिटे हैं। जैसे जितने तरह की चीजें अभी इस देश में चलती हैं वो गांव के लिए तो उसमें कुछ नहीं है, मतलब
ज्यादा पुल बनना, ज्यादा सड़कें बनना ये विकास माना जाता है, लेकिन लोगों में अज्ञान बढ़ा है, इसको हम विकास कहेंगे क्या? इसका जो परिणाम निकला है, लोग अपनी जमीन छोड़ के, अपना काम छोड़ के मजदूर बन गए हैं, इसको विकास कहें क्या? गांधी जी औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं है, उनका कहना है मुझे हर मशीन चाहिए, हर टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, एक तो ये कि उससे बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए और दूसरा ये कि उस मशीन के द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। आप ऐसी कोई भी मशीन ले आइए जिसमें ये दो चीजें न हो तो मुझे स्वीकार्य है। अब अगर शोषण करने के लिए मशीन लगानी है, औद्योगिकरण करना है, तो वो तो कोई नहीं कहेगा कि ठीक है, या उसके द्वारा जिस देश में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है वहां आप ऐसी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे जिससे लोग बेरोजगार बनते हैं, तो एक व्यक्ति को फायदा देकर 100 लोगों को बेरोजगार बनाना ये तो विकास नहीं कहा जा सकता। हमको जिन चीजों की जरूरत है वो बड़े पैमाने पर भी बन सकती हैं, छोटे पैमाने पर भी। हमारी जनसंख्या जो है वो ज्यादा है, लोग हमारे पास ज्यादा हैं, पूंजी हमारे पास कम है, तो हम ऐसे साधन उत्पादन के उपयोग करें जिनमें लोग ज्यादा लगे पूंजी कम लगे, तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अगर हम ऐसे साधन इस्तेमाल करेंगे जिसमें पूंजी ज्यादा लगे और लोग कम, तो लोग खाली बैठे रहेंगे और पूंजी है नहीं, तो हम चिल्लाते रहेंगे पूंजी बाहर से लाओ तो विकास होगा, तो विकास होगा, ऐसा नहीं। हम अगर चाहते, बहुत आसान तरीका है, जैसे क्या है कि अभी सड़कें हम बनाते हैं, अगर गांव में बैलगाड़ी के हिसाब से सड़कें बनाते तो बैल को चलने के लिए कच्ची जमीन अच्छी है, पक्की में उसके पैर दुखते हैं, तो पहिए के बराबर अगर हम पक्की सड़क बनाते तो पूरे देश में बना सकते थे। अभी तक हमने जितनी सड़कें बनाई है सब गांव अच्छे बन जाते थे सड़क से, लेकिन अब इतनी चौड़ी सड़क बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो इस पे ट्रक और कार चलाना है, वहां से वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, वो उन्हीं कंपनियों से पैसा आता है, फिर तो हमें ऐसा ही विकास करना है, ओवर ब्रिज बनाने, बड़े बड़े पुल बनाने, शहरों में पूरा पैसा खर्चा होता है। तो गांव की ओर गांधी जी ने जब ये कहा चलो, तो इसका मायने ये था कि स्वस्थ जीवन अगर जीना है, देश को अगर ऊंचा उठाना है, तो हमें ग्रामीण जीवन को महत्व देना ही पड़ेगा। अगर ग्रामीण जीवन को आप विकास में महत्व नहीं देंगे तो फिर आप देश को कहीं बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए वो औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं है, औद्योगिकरण तो हो इस देश का, लेकिन ऐसा जिसमें सबको लाभ हो सके। तो सिंपल टेक्नोलॉजी जैसे जापान यूज करता है, हम भी कर सकते थे, हम भी उस रास्ते जा सकते थे, आसानी से सब उत्पादन कर सकते थे घर में, और उसका अच्छा मार्केट बन सकता था लोगों में। हमारे यहाँ घरों में पहले काम होता ही था ना, सब गांवों में 50 तरह के धंधे गांव में होते थे, बढ़ई, कुमार, लोहार, सुनार, मतलब 18 प्रकार के तो रिकॉर्डेड हैं जो ये लोग काम करते थे, और इनको उपज में से पैसा मिलता था। वरना जिस तरह का विकास चल रहा है, उस तरह के विकास में तो जैसा विदर्भ में खासकर है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, वो शायद अवश्यंभावी होगा। धन्यवाद शिवदत्त मिश्र जी, आपने हमारे विद्यार्थियों को जो जानकारी दी नई तालीम के बारे में, और गांधी जी का जो कहना था कि गांव की ओर चलो, उसका सही मतलब क्या है, ये आपने हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से समझा। मैं आपका मेरी तरफ से और विद्यापीठ की ओर से बहुत आभारी हूँ और आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद। माई मैंने गोविंद लीनू, गोविंद लीनू, माई मैंने गोविंद लीनू, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा के संग खिलो, माई मैंने गोविंद लीनू, गोविंद